नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी और दुखद अपडेट निकल के आई है नेपाल के लिए इसराइल से। दोस्तों अभी भी हमास के आतंकी रॉकेट से हमला कर रहे हैं इसराइल पर लगातार, और उसी एक हमले में नेपाल के 10 स्टूडेंट की जान चली गई है, जो कि बेहद ही दुखद खबर है। 10 नेपाली स्टूडेंट्स हैव बीन किल्ड इन इसराइल। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है। इसके अलावा 17 नेपाली वर्कर्स को हमास के आतंकी बंदी बनाकर ले गए हैं, और वो किस हाल में ये भी नहीं पता। मौतों के ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इन सभी खबरों को नेपाल की एम्बेसी, जो कि इसराइल में है, उन्होंने कंफर्म किया है। जिन 10 स्टूडेंट की अभी अभी मौत की कंफर्मेशन आई है, वो स्टूडेंट इसराइल में थे और वही काम करते थे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, और हमास के एक रॉकेट अटैक में उनकी जान चली गई। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो कि अभी कुछ मिनटों पहले निकल कर आई है।